एक इंटरेक्शन हो सके आपके साथ, कोई मैं अपनी प्रोफेशनल जो है मेरा काम है एमसी का उसको मैं अपने तौर पे निभा सकूं। तो आज का जो मौजू है वो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं दावत दूंगा सब लोगों को आने के लिए, लेकिन आप ध्यान में रखें कि कायदे आज़म का पाकिस्तान और आज इस मौजू पे बात करनी है। इस बारे में थोड़ा सा मैं अपना आइडिया दे दूँ कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान को जो बनाया ना, आज इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे कहे कि हम लोगों को पाकिस्तान को सबको उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया है। यहाँ मैंने देखा हर एक बंदा इंडिपेंडेंट है, कहता है मैं कल जो है ना पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाऊँ और मैं पाकिस्तान को चेंज कर दूँ, अच्छा कर दूँ, हर पाकिस्तानी की सोच है। और उसका असर ये हुआ कि इस वक्त जापान में जितने भी है ना वो सारे प्रेसिडेंट हैं, हर जगह छाचो ही छाचो, कोई बंदा कहीं पे ना नौकरी नहीं कर रहा। तो ये कायदे आज़म के विजन का हकीकत जो मजा नजर आता है। तो इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज पे इकट्ठे हो सकते हैं और वो सिर्फ है कि पाकिस्तान के नाम के ऊपर, कि हम पाकिस्तानी हैं, चाहे काले हैं, गोरे हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, लेकिन हम एक हैं। तो बाकी है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो मैं भी चाहूंगा कि एक एसोसिएशन बननी चाहिए, पाकिस्तान प्रेसिडेंट एसोसिएशन, सारे एसोसिएशन में प्रेसिडेंट होने चाहिए। तो आज की मैं ये मेरा विजन था, तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी अपने अपने ख्याल का इजहार करें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे गेस्ट हैं उनको इन्वाइट किया जाए यहाँ पे, ठीक है। और सब बहुत जरूरी है, मैं भी मीडिया के साथ ताल्लुक है, इनका भी मीडिया के साथ ताल्लुक है। तो मैं दावत दूंगा इशफाक खलील साहब से, प्लीज स्टेज पे आइए। प्रेस काउंसिल पाकिस्तान एम्बेसी जापान, चेयरमैन हमारे बहुत ही सीनियर पाकिस्तानी हैं, बुजुर्ग हैं, जनाब हुसैन खान साहब, प्रोफेसर हुसैन खान साहब, मेरे मतलब मेरे पोते भी जितने में जब मिलते कहते हैं मेरे पोते हैं। अल्लाह के फजल करम से मेरे पांच चार बेटे एक बेटी हैं, बड़े बेटे ने शादी की है, एक पोता एक पोती है। तो जब भी मैं इनसे मिलता हूँ कहते हैं मेरे पोते पोती हैं। हमारे बुजुर्ग और सीनियर पाकिस्तानी जनाब डॉक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब, इंटरनेशनल रिसेप्शन ब्यूरो के चेयरमैन। अभी हमारे एक मेहमान आए हैं जी, पाकिस्तान से बहुत ही प्यारे मेहमान आए हुए हैं, मलक यूनुस साहब के दोस्त भी हैं, अजीज भी हैं, मेज़बानी कर रहे हैं, जनाब इजाज प्रिया साहब, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ बिजोंबा। और उसके बाद मैं दावत दूंगा सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान एसोसिएशन जापान के शेख ज़ुल्फ़िकार अली साहब को, प्लीज तशरीफ लाइए। والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.